कहने से डरता है, ओ मेरी साजन साजन साजन, मेरे साजन साजन साजन, मेरे साजन। कितना इसको समझता है, ओ मेरी साजन, ओ मेरी साजन साजन साजन, मेरी साजन। तो ये था प्यारा सा गीत। चलिए आज है हमारा दुपट्टा चैलेंज, फुल दुपट्टा कवर अप, फेस कवर अप चैलेंज, जो मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे दिया है, रिक्वेस्टेड किया है। तो चलिए अभी मैं दुपट्टे से फेस कवर तो चलिए पहले इस दुपट्टे से फेस को अच्छे से फुल कवर अप कर लेते हैं। नेक को देखना चाहिए, ऐसा मेरे फ्रेंड ने बोला है, सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, रिक्वेस्टेड वीडियो है तो क्यों ना बनाया जाए। तो चलिए ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए आपके साथ ही वहाँ पर देखिए फुल दुपट्टा चैलेंज। आइए मेरे साथ, पहले देख लेते हैं दुपट्टा को कवर अप कैसे करेंगे। इस तरीके से मैंने कवर अप करने का प्रयास किया है और देखिए ये हमें हमारा नेक अगर दिखना चाहिए तो हमारा मुंह और नोज कवर अप होना चाहिए। चलिए मैंने दुपट्टे को कवर अप कर लिया है। अब रिक्वेस्टेड वीडियो है तो करना तो पड़ेगा ही, किसी की जो रिक्वेस्ट है मैंने एक्सेप्ट कर लिए। चलिए सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी क्लीनिंग का वर्क है तो क्लीनिंग का टाइमिंग है, तो पूरा घर जब तक मैं क्लीन नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं बाकी किसी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ, जैसे कि किचन रूम में खाना बनाना, ये सब चाय बनाना, ये हम नहीं करते। हम बासा घर पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए मैं बर्तन कर लेती हूँ। वैसे मेड मैंने नहीं रखी है क्योंकि मैं खुद का काम खुद ही कर लेती हूँ। वैसे खुद का काम करना खुद ज़्यादा बेस्ट रहता है। ओके, तो मेरे बर्तन हो चुके हैं और ये जो पानी है वो अच्छे से यूज़ कीजिए। चलिए अब वैसे क्या मशीन तो रहती है लेकिन कैसे हाथ से अगर आप ज़्यादा कपड़ा धो रहे हो, बाथरूम क्लीन कर रहे हो, बाथरूम भी क्लीन करना ज़रूरी है। मेरा कपड़ा हो चुका है और चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। अब पूरे घर में पोछा लगाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कभी कभी मेरी छोटी सी दीदी भी लगा लेती है, वो भी बड़ी प्यारी सी दीदी है, वो भी हमेशा पोछा लगा लेती है। और चलिए पहले बेड अच्छा क्लीन कर लेते हैं। बच्चे तो हमेशा फैला के रख देते हैं, चादर फैला के रख देते हैं, वो मैंने क्लीन कर लिया है, आखिर बच्चे तो बच्चे हैं। और साहब जी के कपड़े पहले मैं अच्छे से प्रेस करने के लिए, प्रेस वाले अभी भैया के पास ले जाना पड़ेगा ये थैला, तो साहब जी के कपड़े मैंने पूरे इसमें भर लिए, 20 तो कपड़े होंगे साहब जी के। साहब जी को भी प्रेस वाले कपड़े, मम्मी अरे बाप रे कितना डरा दिया मुझे, काम रह गया, ओ माई गॉड, मुझे थोड़ी सी आँख लग गई। अभी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैंने दुपट्टा निकालना छोड़ दिया। और चलिए मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अभी मैं बेसिन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ये तो रेगुलरली है। और यहाँ पे हमें हैंड वॉश रखना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश रखे तो आपको वहाँ पे अच्छे से क्लीन करने के लिए, हाथ धोने के लिए उपयोगी पड़ेगा। चलिए क्रॉकरीज भी थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं, धूल जम जाती है। अब रोज़ नहीं कर पाते तो हफ्ते में एक बार तो क्रॉकरीज क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे का और वर्क है। अभी मैंने देखिए मैंने फूल लाए हैं, बाजार से लाए हैं।
अभी, और इस फूल की मैं माला बनाऊंगी साहब जी के लिए। नहीं, साहब जी को तो माला मैंने शादी के टाइम में डाल दी थी, अब मैं भगवान जी के लिए अच्छी सी प्यारी सी माला बना देती हूँ ताकि भगवान जी भी खुश हो जाए। तो चलिए सुपर सी माला बना लेते हैं अभी, ठीक है? तो मैं बना लेती हूँ भगवान जी के लिए माला, आइए मेरे साथ। मम्मी, ओ माँ, कितना डरा दिया, बच्चे भी इतना डरा देते हैं ना कि बस। चलिए अभी फाट से मुझे सोफा भी अच्छा सा क्लीन करना है। बैठ जाते हैं लेकिन अच्छे से करते नहीं है, कैसा भी रख देते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे पसंद है एकदम क्लीननेस। चलिए कुशन वगैरह सब अच्छे से रख लेते हैं, अभी साहब जी आएंगे तो गुस्सा करेंगे, बोलेंगे अच्छा नहीं रखा, क्लीन नहीं रखा। तो वैसे हमारे साहब जी बहुत ही बेस्ट आए, तो अगर क्लीननेस में उनको इंटरेस्ट है तो वाह क्या बात है। तो चलिए दूसरा वर्क कर लेते हैं। अभी ये जो फ्लावर से, तो ये भी मुझे क्लीन करने, बहुत सारी डस्ट जम जाती है। तो क्लीन हो चुका है हॉल का पूरा जो सामान है, वहाँ पे भी बहुत डस्ट जम जाती है, तो ये भी क्लीन करना है, ठीक है? तो रिक्वेस्टेड वीडियो हमने जो एक्सेप्ट किया है फुल दुपट्टा नोज़ और माउथ कवर करके, तो वो तो बन रहा है। और ये है मेरा छोटा टॉली, ये मेरे छोटे बच्चों का टॉली है, इसकी नाक देखो मेरे बच्चे की तरह है बिल्कुल। और ये इसके लिए भी एक खुर्ची होना, मेरा बच्चा बोलता है ये बड़ा टॉमी, ये मेरे बड़ी लड़की का टॉमी है, बड़ी होकर भी ये टॉमी के साथ खेलती है वो, इसकी नाक भी उसी की तरह है। इसको भी इस खुर्ची पे बिठा देती हूँ, दोनों की दोनों खुर्चियाँ बैठे रहो अभी, बिल्कुल बीच में काम नहीं, मेरे काम में डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए अभी अभी है शोकेश में जो भी सामान है, ये तो मूर्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसमें श्री कृष्ण भगवान जो बैठे हैं मेरे प्यारे, तो ये पूरा क्लीन करना है अभी। बहुत सारा सामान है, तो गुड़िया है, छोटे छोटे खिलौने हैं मेरी लड़की के, तो वो भी हमें क्लीन करना है। तो इस तरह से क्लीन करते हुए देखिए, इस कपबोर्ड में तो इतने वो रद्दी पसारा डाल देते, किताबें कहीं कहीं पे दिन भर इधर उधर उधर फेंक देते हैं, तो वो भी काम तो हम लेडीज़ को करना है ना। वैसे तो दिन भर का जो साहित्य इधर उधर। मम्मी जल्दी से उठ जाओ, पानी मत पियो। तो कैसा था मेरा फुल कवर अप दुपट्टा चैलेंज? अगर आपको पसंद आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।